उत्तर प्रदेश के देवरिया में मईल क्षेत्र के गांव में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार की सुबह गांव के कपड़ा व्यवसायी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में 5 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मईल क्षेत्र के बघा गांव में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार को सुबह गांव में मारपीट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कपड़ा व्यवसायी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से नाराज लोग थाने के घेराव करने के बाद थाने के सामने धरने पर बैठ गए। ये मौके पर अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे। परिजनों ने पुलिस पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं गांव के रहने वाले हरिशंकर गुप्ता 60 वर्षीय महिले चौराहे मकान बनवाकर अपने कपड़े की दुकान चलाते थे। बुधवार को उनके परिजनों ने गांव की ही भूमि पर पड़ोसी द्वारा कब्जा करने की जानकारी दी, जिस पर वह अपने बेटे के साथ गांव पहुंच गए। आरोप है कि उनकी भूमि पर पड़ोसी रिटायर्ड दरोगा ने नाद और अन्य सामान तोड़नी दीवार लगवा दी थी। उन्होंने इसका विरोध किया तो आक्रोशित हो गए। आसपास के लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत किया। गुरुवार की सुबह 10-12 लोग लाठी डंडों से लैस होकर हरिशंकर के घर पर हमला कर दिया। हमलावर हरिशंकर को लाठी डंडे से पीटने लगे। यह देखकर परिवार के सदस्य उन्हें बचाने आए तो हमलावरों ने उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस समय रहते नहीं पहुंच सकी। हमलावर की पिटाई से हरिशंकर गुप्ता की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद परिवार में कोहरा मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी के निर्देश दिया गया है। आबादी की एक जमीन पर गांव के ही दो पक्षों का क्लेम था और दोनों ही पक्ष ये कह रहे थे कि जिसकी जमीन है उन्होंने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिख करके उन्हें दिया है। और इस संबंध में आज सवेरे एक पक्ष को जब यह जानकारी हुई कि दूसरे पक्ष ने रात में वहां की बाउंड्री वॉल तोड़ दिया है तो वो उसे देखने के लिए गए, जहां अभियुक्त पक्ष के लोग पहले से इकट्ठा थे। उन्होंने वादी पक्षीय लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें एक बुजुर्ग जो 70 साल के थे उनकी इस मारपीट के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी डेथ हो गई। इसमें 3-4 लोगों को और चोटें आई हैं। वादी की तहरीर पर थाना मईल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें नामित सभी 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। कुछ अन्य लोगों को और पुलिस हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ कर रही है। घटनास्थल का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट और मेरे द्वारा कर लिया गया है और इस संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।